तमंचे के बल पर नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो बनाया और बाद में वायरल कर दिया। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। यूपी के रामपुर में तमंचे के बल पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर घटना की वीडियो फोटो आरोपी ने किया वायरल। पिता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट सहित 376 में मुकदमा दर्ज। आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। घटना से पुलिस में मचा हड़कंप। नाबालिग को पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा जिला चिकित्सालय। पुलिस ने मामला कर कार्रवाई शुरू की। क्या है मामला सर? उस मामले में रात ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्यवाही जो है वो की जा रही है। कोई गिरफ्तारी हुई है सर उसमें? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, क्या मान रहे हैं उसमें, जिस तरह से नाबालिग है बच्ची वो? नहीं, बच्ची असल में उसमें एक फोटो है जो फोटो आपत्तिजनक स्थिति में है जी, उस लड़के का लड़की के साथ साथ। उस आधार पर परिवार के किसी मेंबर को कहीं फोटो मिला जिसके आधार पर फिर उन्होंने लड़की से पूछताछ की, जिससे ये लगा कि लड़की और उसके बीच फोटो को देख के भी ये लग रहा है लगता है पहले प्रेम संबंध थे। लेकिन महिला ने जो तहरीर दी है हम उसकी बात को मानते हुए हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और विवेचना कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो उसके साथ चाहे वो तथाकथित प्रेमी हो या जो भी जी, महिला द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई। मेडिकल के लिए भेजा गया है क्या लड़की को? पूरी प्रक्रिया जब अभियोग एक बार पंजीकृत कर लिया गया तो मेडिकल 164 का बयान विवेचना ये सब क्रम से चलेगी, उसमें कोई व्यतिक्रम नहीं होगा। किन किन धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया है?